नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे किरण सामान्य ज्ञान के बारे में। इसमें हम लोग सामान्य विज्ञान के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें हम लोग क्या क्या देख चुके हैं अभी तक? आपका लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी प्राथमिक एवं स्वास्थ्य शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में बात कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, अब हमें आज बात करनी है वनस्पति विज्ञान के बारे में। किसके? वनस्पति विज्ञान के बारे में। याद रखिए, एक बहुत बड़ा पार्ट हम लोग ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। क्या क्या ख़त्म कर चुके हैं एक सामान्य जानकारी दे देते हैं। और याद रखिए, जितने भी आपके क्लासें ली गई हैं अभी तक, वो सभी किरण सामान्य ज्ञान के नाम से, जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है, उसी में डले हुए हैं। भारतीय इतिहास पूरा ख़त्म कर चुके हैं। विश्व का इतिहास भी हम लोग पूरी तरह से ख़त्म कर चुके हैं। भारतीय कला एवं संस्कृति पूरी तरह से ख़त्म हो गया है आपका। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। भूगोल भी आपका पूरी तरह से कवर कर चुका हूँ। उसके बाद सामान्य अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात की थी। और सामान्य विज्ञान में भी हम लोग एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक कवर कर चुके हैं। इसलिए सामान्य ज्ञान में कुछ पार्ट पार्ट करके ला रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत लंबा लेक्चर हो रहा था, इसलिए एक एक शाखा, इसकी एक एक टॉपिक हम लोग ला रहे हैं। जैसे भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान। उसके बाद आपने देखा होगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य एवं शरीर क्रिया विज्ञान। अब हम वनस्पति विज्ञान में आखिर क्या क्या पढ़ेंगे उसे देख लेते हैं। याद रखिए, अगर आपके पास सुविधा है, कहीं आपके आसपास मिलती है ये बुक्स, तो आप खरीद लें और केवल इसे ही पढ़ें। अगर आप SSC, बैंक, रेलवे, इस तरह की जो भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो इसे ही पढ़ें। आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी बुक्स लिखी गई है और आपका, मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चंस गलत हो गए। काफ़ी हद तक आप इससे स्टेट PCS प्रीलिम्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी बुक्स लिखी गई है। तो वनस्पति विज्ञान में आप क्या क्या पढ़ेंगे? पादप जगत के बारे में जानेंगे, पादपों के विभिन्न अंग, प्रकार और कार्यों के बारे में जानेंगे, परागण के बारे में जानेंगे, निषेचन के बारे में जानेंगे, पादप ओथिकी और पौधे के नाम, उसका वनस्पतिक नाम क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे, पादप शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में जानेंगे, फिर आप देखेंगे वाष्पोत्सर्जन, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण, पादप हार्मोन, श्वसन, कुछ विशिष्ट पौधे देखेंगे, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधे भी हम लोग बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये होगा आपका वनस्पति विज्ञान में इसका। तो चलिए, पहला हम लोग इसमें चैप्टर बात करते हैं जीव विज्ञान की। वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों के रूप, आकार, संरचना, अंगों के कार्य, गतिविधियां एवं प्रजनन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉटनी, यानी कि उसे हम लोग वनस्पति कहते हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान की मुख्य उपशाखाओं की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें क्या कौन क्या क्या शामिल है? सस्य विज्ञान, इसे फसलों का अध्ययन करते हैं। इसमें किसका? फसलों का। एग्रोस्ट्रोलॉजी, इसमें आप घासों का अध्ययन करते हैं। शारीरिकी, इसमें पौधों के आंतरिक भागों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि कई बार आपका पूछ लेता है। क्या पूछेगा? एंथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो फूलों का अध्ययन। या फिर पूछ सकता है इस तरह से कि बैक्टीरिया का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं? तो जीवाणु विज्ञान में। बायोफाइटा का अध्ययन किस में कहते हैं? बायोलॉजी में हम लोग। ब्रायोलॉजी में, बायोलॉजी में नहीं, ब्रायोलॉजी। कोशिका विज्ञान, इसमें पौधों की कोशिकाओं और उनके आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी, इसमें पौधों का वातावरण से सह संबंधी अध्ययन करते हैं। उद्यान विज्ञान, बागवानी फसलों, फल, फूल और सब्जियों का अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। ऊतकी, इसमें पौधों के ऊतकों का अध्ययन करते हैं हम लोग। हाइड्रोपैथी, इसमें जल से उपचार संबंधित विज्ञान है। हॉरोलॉजी, इसमें समय मापने का विज्ञान है। हाइड्रोपोनिक्स, जल कृषि एवं जल संवर्धन से संबंधित यह आपका। उसके बाद आपका है लेमनोलॉजी, इसमें क्या देखते हैं? स्वच्छ जल का अध्ययन करते हैं। कवक विज्ञान, कवकों का अध्ययन करते हैं। अकार्की, पौधों की बाह्य संरचना एवं आकृति का अध्ययन करते हैं। मेटियोलॉजी, मौसम विज्ञान का अध्ययन करते हैं। पोलिनोलॉजी, परागकणों का अध्ययन करते हैं हम इसके तहत। पादप शरीर क्रिया विज्ञान, पौधों में होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं हम लोग। पादप प्रजनन, पादप बीज,
फल आदि के संक्रमण का संकरण संकरण का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहते हैं। पेलियोबॉटनी पौधों के जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। शैवाल विज्ञान शैवालों का अध्ययन करते हैं। फिर आपका टेरिडोलॉजी टेरिडोफाइटस का अध्ययन करते हैं। फिलेंटोलॉजी जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन करते हैं। स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन करते हैं हम लोग। वानिकी जंगलों के परिवर्धन का एवं वन संपदा के उपयोग का अध्ययन करते हैं। वर्गीकी पौधों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। विषाणु विज्ञान विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। किसका? विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। पादप जगत को आप लोग दो भागों में बांटते हैं, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। इसे अपुष्पोद्भिद होता है, इसे भी आप लोग तीन भागों में बांटते हैं, थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इसके बाद थैलोफाइटा है, इसे भी आप तीन भागों में बांटते हैं, शैवाल कवक और जीवाणु। फिर बात करते हैं हम लोग जो पुष्पोद्भिद था इसे दो भागों में बांटते हैं, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। जो आवृत बीजी है इसे भी दो एक बीज पत्री और द्वि बीज पत्री में बांटते हैं हम लोग। आगे चलते हैं हम लोग पादपों के वर्गीकरण की बात करते हैं हम लोग। संसार के सभी पादप वनस्पति जगत के अंतर्गत रखे गए हैं। वनस्पति जगत को दो भागों में बांटा गया है, अपुष्पीय और या फिर इसे कैप्टोगैम्स भी कहते हैं, वो पुष्पीय जिसे हम लोग फैन रो रोगैम्स कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपुष्पीय पौधे। ऐसे पौधे हैं जो फूल या बीज रहित होते हैं, उन्हें अपुष्पीय पौधे कहलाते हैं। इन्हें तीन वर्गों में या भागों में बांटा गया है। थैलोफाइटा ऐसे अपुष्पीय पौधे जिनमें पौधों का शरीर जड़ तना पत्तियों में नहीं बटा रहता है, उसे थैलोफाइटा कहते हैं। इनमें दो प्रमुख वर्ग हैं, शैवाल और कवक के अलावा लाइकेन बैक्टीरिया वायरस भी इसमें शामिल किए जाते हैं आपके। शैवाल वह थैलोफाइटा जो आलवड़ तथा खारे जल में उगता है तथा जिनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहने से हरा होता है, शैवाल कहलाता है। जैसे जैसे स्पाइरो गायरा और यूलो थिक्स आदि। शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। शैवाल का शरीर जड़ तना पत्तियों में विभक्त नहीं होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन कहते हैं उसे हम लोग एल्गोलॉजी या फिर इसे फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी कहते हैं इसे। फिर आता है कवक फंगी। ये ऐसे थैलेफाइटा हैं जो क्लोरोफिल के अभाव के कारण अपना भोजन खुद नहीं तैयार कर सकते हैं। इन्हें हम लोग परजीवी अथवा मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे इसमें म्यूकर हो गया, रस्ट हो गया, स्मट हो गया आदि। कवकों के अध्ययन को हम लोग माइक्रोलॉजी कहते हैं। याद रखिए कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइक्रो माइकोलॉजी। उसके बाद कवक में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन एवं वसा के रूप में रहता है। फिर आपका जीवाणु क्लोरोफिल रहित सबसे छोटा और सबसे प्राचीन एवं एक कोशिकीय जीव जिसमें निश्चित न्यूक्लियस नहीं होता है, जिसकी भित्ति काइटिन से बनी होती है, बैक्टीरिया कहलाती है। ये लाभदायक तथा हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया के अध्ययन को हम लोग बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। जीवाणु पॉलीसेकेराइड लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कुछ जीवाणुओं में काइटिन भी देखने को मिलता है। फिर आते हैं लाइकेन्स। शैवाल तथा कवक के साथ सहजीवी के रूप में रहने वाला एक विशेष प्रकार का पौधा जिसके शरीर का अधिकांश भाग कवक बनाते हैं तथा वृक्ष की डालों लकड़ी के स्तंभों चट्टानों और मिट्टी पर मिलते हैं। कवक आधार से जल एवं खनिज लवण अवशोषित कर शैवाल को देता है और शैवाल भोजन निर्माण कर कवक को देता है। अगर शैवाल और कवक को अलग अलग कर दिया जाए तो दोनों के लिए स्थिति संकटमय हो जाती है, जैसे ओसनिया या फिर कलेडोनिया आदि। फिर आता है वायरस विषाणु। अत्यंत सूक्ष्म सरलतम तथा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जाने वाला जीव है, जिसकी कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती इसकी, जिनके आकार एवं परिमाण विभिन्न प्रकार के होते हैं। इन्हें हम लोग वायरस कहते हैं। ये जीवित और अजीवित दोनों होते हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में निष्क्रिय होते हैं तथा पौधों या फिर जंतुओं की जीवित कोशिकाओं में बढ़ते हैं
विभाजित होते हैं तथा रोग उत्पन्न करते हैं। फिर आपका ब्रायोफाइटा उच्च श्रेणी का ऐसा आपुष्पीय पौधा जो नरम दीवारों एवं गीली जमीनों जमीन इत्यादि पर उगते हैं, बायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। इसके दो प्रमुख वर्ग हैं, फ्रहरिता और हार्नवर्ट्स, या फिर इसे हम लोग हरिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिता। इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं। कैसे? लैंगिक और अलैंगिक। फेहरिका, पहरिता ऐसा बायोफ्राटा जो भूसाई, हरे, चिपटे तथा शाखीय होते हैं किंतु जड़, तना और पत्तियों में बटे होते हैं, फ्रहरिता कहलाते हैं। जैसे रिक्सिया, पोरिला, मक्केसिया। फिर आता है आपका हरिता, उच्च श्रेणी के ऐसे बायोफाइटा जिनके पौधे मूलांग, स्तंभ तथा पत्तियों में विभेदित रहते हैं, हरिता कहलाते हैं। फ्यूनीरिया, पॉलीट्राइकम आदि। फिर आपका टेरिडोफाइटा, नम एवं छायादार जगहों पर उगने वाले उच्च श्रेणी के ऐसे जटिल आपुष्पीय पौधे हैं जिनके तना, पत्तियां और जड़ें तो विकसित होती हैं परंतु फूल फल धारण नहीं करते हैं, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। जैसे फर्न हो गया, लाइकोपोडियम, एजोला, साल्विनिया आदि इसमें शामिल हैं। फिर आपके पुष्पीय पौधे, इसमें फूल फल और बीज विकसित होने वाले पौधों को हम लोग पुष्पीय फूल पौधे कह देते हैं। इन्हें भी आपका दो वर्गों में बांटा गया है, एक का आपका आवृत बीजी, ऐसे पुष्पीय पौधे जिनके बीज फल के अंदर ढके रहते हैं, इन्हें हम लोग आवृत बीजी कहते हैं। इनके भी आपके दो वर्ग हैं। क्या हैं? इनके भी आपके दो वर्ग हैं। इसमें एक आपका एक बीजी पत्री, ऐसे आवृत बीजी जिसके भ्रूण में केवल एक बीज पत्र होता है, एक बीज पत्री कहलाता है। ये पौधे शाक और झाड़ी वाले होते हैं, जैसे आपका इसमें गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया। फिर आपका द्वि बीज पत्री, ऐसे आवृत बीजी जिनके भ्रूण में दो बीज पत्र पाए जाते हैं, इन्हें हम लोग दो द्वि बीज पत्री कह लेते हैं। ऐसे पौधे शाक, झाड़ी और वृक्ष के रूप में होते हैं, जैसे आपका मटर हो गया, चना हो गया, इसमें आपके शामिल हैं। फिर आपके अनावृत बीजी, ऐसे पुष्पीय पौधे जिनके बीज फल में नहीं ढके रहते, अनावृत बीजी कहलाते हैं। इसके भी दो मुख्य भाग हैं, साइकिट्स, ऐसे लंबे पुष्पीय पौधे जिनके धड़ ऊर्ध्व मजबूत तथा आशाकीय होते हैं, कॉनिफर्स, ऐसे पुष्पीय पौधे जो लंबे ऊर्ध्व शाखायुक्त तने वाले तथा सदाबहार होते हैं जिसमें विकसित जड़ें एवं हरी सरल पत्तियां पाई जाती हैं, कॉनिफर्स कहलाते हैं। ऐसे पौधों के भूड़ में अनेक बीज पत्रक पाए जाते हैं, जैसे पाइनस हो गया इसमें। फिर आपका चिलगोजा को हम लोग जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। इसे अनावृत बीजी में संवहन ऊतक पाए जाते हैं। उसके बाद है पादपों के विभिन्न अंग, विकार और कार्य। पादप आकारिकी, विभिन्न पादप भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों एवं गुणों का अध्ययन पादप आकारिकी कहलाता है। आपका जड़, रूट, जड़ या मूल पौधे का वह भाग है जो जमीन के अंदर रहकर पौधों के लिए जल, खनिज लवणों का अवशोषण करता है एवं पौधों को जमीन पर स्थिर रखने में मदद भी करता है। कौन? जड़। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करती है। पौधों की अगर जड़ों के विभिन्न भागों की बात करें हम लोग, तो मूल टोपी, जड़ के अगले सिरे पर स्थित यह मूल टोपी जड़ को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? जड़ को सुरक्षा प्रदान करता है। फिर आपका वर्धन प्रदेश, हर समय नई कोशिकाओं का निर्माण कर वृद्धि को बनाए रखना रखने वाला यह भाग मूल टोपी के ठीक पीछे होता है। दीर्घीकरण प्रदेश, इसमें लगातार वृद्धि होती रहती है। फिर आपका मूल रोम प्रदेश, यह भाग कोमल मूल रोमों से ढका रहता है जिसके मूल रोम जल एवं खनिज पदार्थों के अवशोषण के का कार्य करते हैं। फिर आपका परिपक्व प्रदेश, जड़ का आखिरी भाग जिस पर सहायक जड़ें निकलती हैं। अगर हम लोग जड़ के प्रकारों की बात करें तो मूसला जड़, मूलांकर से बने प्रथम मूल के दीर्घीकरण के फलस्वरूप बने मूल को मूसला जड़ कहते हैं। ऐसी जड़ें द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं, सरसों, चना, आम, नीम इत्यादि में। फिर आपका अपस्थानिक जड़ें,
वैसी जड़ें जो मूलांकुर के अलावा पौधों के अन्य भाग, तना, पत्ती आदि से निकलती हैं, अवस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। इसमें प्रधान जड़ अधिक नहीं पड़ती है, जैसे मक्का और गेहूं है। इस प्रकार की जड़ें एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं। जड़ों के रूपांतर की अगर हम लोग बात करें तो मूसला जड़ का रूपांतरण तर्करूपी मूल, यह दोनों सिरों पर पतली एवं बीज बीच में मोटी होती है। उदाहरण के लिए मूली ले सकते हैं। शंकु आकार, यह ऊपर से मोटी और नीचे की ओर क्रमशः पतली होती रहती है, जैसे से गाजर में आप लोग देखते हैं, किसे, गाजर को। कुंभी रूप, ये फूल फूल कर मोटी हो जाती है, लेकिन नीचे का भाग पतला हो रहता है। इसमें शलजम, चुकंदर, इस तरह आप देख सकते हैं। गांठदार मूल, इसमें फूल कर आकार में वृद्धि कर लेने के बाद भी रूपांतर नहीं होता है, जैसे गुलाब, बांस। फिर आपकी ग्रंथिल मूल, मूल ग्रंथियों या गांठों से युक्त जड़ ग्रंथि जड़ कहलाती है, जैसे मटर हो गई, मूंगफली हो गई। अन्य मूलों की बात करें तो परजीवी मूल, जैसे अमरबेल हो गया। स्वासीकारी मूल, जैसे जूसिया हो गया। परिरोही मूल, जैसे जूसिया, इसमें भी पत्त मूल, पत्तियों पर कलिकाओं एवं कलिकाओं से निकलने वाली छोटी छोटी जड़ें, जैसे पत्थर चट्टान। संकरोची मूल, जमीन के अंदर जाने वाली आद्रताग्राही विलोपन। माइबोराइजल मूल, जैसे चीड़। अगर वनस्पति के वर्गीकरण की हम लोग बात करें तो इसमें एरिमोफाइटस रेगिस्तान तथा स्टेपीज में उगने वाले पौधे होते हैं। लिथोफाइट, ये चट्टानों पर उगने वाले पौधे हैं। सेमोफाइट, बालू में उगने वाले पौधे हैं। इसके लिए रोफाइट, काष्ठीय झाड़ीदार पौधे हैं। ऑक्सीलोफाइट, अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे हैं। हेलोफाइट, लवणयुक्त क्षेत्रों में मिलने वाली वनस्पति, जैसे मैंगो, गोल्ड मोहर आदि हेलोफाइट के अंतर्गत आते हैं। क्रायोफाइट, टुंडा अथवा शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पतियाँ क्रायोफाइट कहलाती हैं। इसमें मॉस, लाइकेन आदि को सम्मिलित किया जाता है। फिर आपका मेसोफाइट, मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलने वाली वनस्पतियाँ हैं, जैसे राइबूट, साइबेरिया क्षेत्र की टैगा वनस्पति, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोफाइट, इसके अंतर्गत जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पतियाँ शामिल हैं। जेरोफाइट, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पतियाँ, जैसे कैक्टस, बबूल, सेज ब्रश, सेक सॉल, एकेसिया, कीकर, खजूर आदि को जेरोफाइट वनस्पति के अंतर्गत रखा जाता है। हाइग्रोफाइट, इसमें अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्र, जैसे भूमध्यरेखीय उष्णार्द क्षेत्रों की वनस्पतियाँ या फिर दलदली क्षेत्रों की वनस्पतियाँ शामिल की जाती हैं। टोपोफाइट, इस प्रकार की वनस्पतियों के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली वनस्पतियाँ और घासों को सम्मिलित किया जाता है इसमें। अब चलते हैं हम लोग तना के प्रकार एवं विभिन्न उनके कार्य। स्टेम, बीज का वह प्रांकुर जो विकास की ओर वृद्धि करता है तथा आगे चलकर इस पर शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल आदि उगते हैं, हम लोग उसे तना कहते हैं। क्या कहते हैं? तना कहते हैं। तना की विभिन्न रूप एवं आकृति होती हैं। इनमें क्या क्या शामिल है? वृक्ष, इसका तना कोर तथा कई शाखाओं से भरा रहता है, जैसे आप आम ले सकते हैं, इमली। फिर झाड़ी, इसका तना 3 से 10 फुट लंबा, कठोर और शाखायुक्त होता है, गुलाब, ओढ़ुल आदि। साग, हरा तथा मुलायम तना, जैसे तुलसी, बैंगन, टमाटर शामिल है इसमें। तना के प्रकारों की अगर बात करें तो भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना, वायवीय तना। तना का रूपांतर, भूमिगत तना का रूपांतर त्रिकंद, मोटा मांसल तथा पृथ्वी की ओर बढ़ने वाला तना, अदरक, केला, फर्न, हल्दी आदि शामिल है। आकंद, भूमिगत तने का अग्रभाग जो खाद्य पदार्थों के संग्रह के बाद मोटा हो जाता है एवं फट जाता है, जैसे आलू है आपका। क्या है? आलू। फिर है आपका सल्क कंद, एक बीजपत्री पौधे में भोज पदार्थ से युक्त पत्रों एवं इनके बीच स्थित कक्षस्थ
कलिकाओं से युक्त तना जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, घन कंद, एकत्रित खाद्य सामग्रियों के कारण मोटे जैसे ओल, जिमीकंद, कचालू, अरवी, केसर आदि शामिल रहते हैं। फिर आपका अर्धवायवीय रूपांतरण, ऊपरी भूस्तरी, उदाहरण के लिए घास एवं ब्रह्मा बूटी, क्या ब्रह्मा बूटी। फिर आपका भू स्तरी का, उदाहरण में आरारोट, चमेली, जलकुंभी। अंता भूस्तरी, इसमें उदाहरण में गुलदाउदी, गुलदाउदी और पौदीना, सेवंती हो गया। भूस्तरी, इसमें आप देख सकते हैं अरवी, स्ट्रॉबेरी। वायवीय रूपांतर की बात करें तो इसमें शामिल है आपका स्तंभ तंतु, उदाहरण के लिए अंगूर की बेल, पेसी फ्लोरा, कुकुरबिटेसी आदि। स्तंभ कंटक, उदाहरण के लिए बेल, करौंदा, बबूल, नींबू। फरडाप स्तंभ, नानफनी, यूफोफोर्बिया इसमें शामिल है। पत्तेकंद, उदाहरण के लिए डायो स्कोरिया, गलिया, गलेवा। फरडाप पाव पर्व, उदाहरण के लिए सतावर और रसकस। तना की अगर हम लोग कार्यों की बात करें, किसके कार्यों की, तना की, तो तना जल और घुले हुए लबड़ों को जड़ों से लेकर पत्तियों तक एवं तैयार भोज पदार्थों को पत्तियों से लेकर अन्य भागों यानी संग्रह अंगों एवं वर्दी क्षेत्रों में पहुंचाना इसका काम है। तना यांत्रिक रूप से विभिन्न दिशा में उत्पन्न शाखाओं को आलम्ब प्रदान करता है। तना शाखा एवं पत्तियों को धारण करता है। तना भोजन संग्रह का कार्य भी करता है, जैसे आलू, हल्दी, प्याज, अदरक। कुछ पौधों में तना जल संग्रह का कार्य भी करता है, जैसे ओ पुंसिया में, ठीक है। फिर आपकी पत्ती क्या है, लीप पत्ती, ये आकार में चपटी एवं पर्ण हरित की उपस्थिति के कारण हरी दिखने वाली पत्ती पौधी का वह भाग है जिसमें पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं और जिसके सहारे श्वसन और वाष्पोत्सर्जन जैसी पादपीय जैविक क्रियाएं भी संपन्न करते हैं। पत्ती के अगर हम लोग प्रकारों की बात करें तो सामान्य पत्त जैसे अमरूद, आम, नीम की पत्तियां, सल्क पत्त, प्याज, लहसुन, सहपत, इसमें बोगोन, बोगेन, बेलिया, पुष्पीय पत्त, पत्तियों के आकार के बीज पत्त। इनके अतिरिक्त पत्तियों के अन्य प्रकार भी होते हैं, कौन कौन से, इसमें आपका स्तंभिक पर्ण, भूमि से बाहर के तने से निकलने वाली मूल पर्ण, भूमिगत तने से बाहर निकलती हैं, बीजाणु पत्त, जिन पर बीजाणु बनते हैं। पत्तियों के रूपांतर की बात करें तो पत्त पितान या फिर तंतु, जैसे मीठी मटर, जंगली मटर आदि। फिर आपका पत्तसूल, जैसे नागफनी हो गया, केवड़ा, नींबू आदि। पत्त अंकुश, जैसे बेगोनिया हो गया। पत्त मूल, जैसे सालबीनिया हो गया। पत्त कलश, जैसे पिचर प्लांट हो गया। सल्क पत्त, जैसे प्याज लहसुन हो गया। पत्त ब्लैडर, जैसे यूटी कुलेरिया हो गया। फरडावी बिट, जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेरी अकेसिया हो गया, बबूल। घट पर्ण, इसमें आपका नेपेंथीच और कलश पौधा हो गया। अब बात करते हैं पत्तियों के कार्यों की, किसके पत्तियों के, पत्तियों के कार्य। पत्तियां क्लोरोफिल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से भोज पदार्थों का संश्लेषण करती हैं। पौधों और वायुमंडल के बीच विभिन्न गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के द्वारा होता है, किसके द्वारा, पत्तियों के। जड़ द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल पत्तियों के छिद्र द्वारा ही वायुमंडल में चला जाता है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। कुछ पत्तियां भोजन संग्रह का कार्य भी करती हैं। फिर आते हैं आप फूल, पुष्प। पौधे का वह सर्वाधिक आकर्षित भाग होता है पुष्प, जो जनन अंग के रूप में कार्य कर फल और उसके बाद बीज का निर्माण करता है। यह एक रूपांतरित पिरोय है। पुष्प के विभिन्न अवयव जिस भाग पर लगे रहते हैं उसे हम लोग पुष्पासन कहते हैं। प्रारूपिक पुष्प के विभिन्न भाग हैं, यह आपका बाह्य दल पुंज।
पहला आवर्त बाह्यदल से बने हरित पर्ण कार कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा एवं विकास संश्लेषण करना इसका कार्य है। फिर आपका दल पुंज, इसमें क्या है, दूसरी आवर्त दलों से बना बहुरंगी कार्य इसका है परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना। फिर आपका पूमंग, तीसरा आवर्त नरचक्र पुकेसर नर अंग से बना है प्रत्येक पुकेसर के तीन भाग होते हैं, कौन कौन से, जंतु पराकोष तथा कनेक्टिव, कनेक्टिव बीच का भाग। पराकोष में आपका जनन कण बनते हैं एवं संचित होते हैं। फिर आपके जायांग, चौथा आवर्त मदाचक अंडव से बना होता है। प्रत्येक अंडव तीन भागों में विभक्त होता है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। यहाँ बीजाणु का तथा निषेचन के बाद फल का निर्माण होता है आपका। फिर आपका दृष्टव्य, एकलिंगी पुष्प, जिस पुष्प में जनन अंग द्वे में से एक अनुपस्थित हो उसे हम लोग एकलिंगी पुष्प कहते हैं। द्विलिंगी पुष्प, वैसे पुष्प जिसमें दोनों जनन अंग उपस्थित हों उन्हें हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। एकलिंगासरी पुष्प, जब दोनों नर और मादा पुष्प दो पौधों पर पाए जाएं तो उसे एक लिंगासरी पुष्प कहते हैं। उभयलिंगराशि सरई, जब एक ही पौधे पर नर और मादा पुष्प पाए जाते हैं तो उसे हम लोग उभयलिंगासरी कहते हैं। परिपुष्प, बाह्य दलपुंज और दलपुंज के रूप में एवं आकार में एक होने पर हम लोग परिपुष्प कहते हैं। एकांडप, जब जयांग एक ही अंडप की बनी हो जैसे मटर चना। द्वि अंडप, जयांग के अंडपों की संख्या दो से दो हो जैसे सरसों हो गया मूल आदि। बहु अंडपी, अंडपों की संख्या पांच से अधिक हो जैसे पोस्त। पुंजा योगी, जब पुंकेश्वर जयांग से जुड़ पाए तो उसे हम लोग पुंजा योगी कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग फल, फ्रूट्स। पके हुए अंडाशय को फल कहते हैं जिसमें बीज बनते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय में विकसित गूदेदार मृदोत्तर विभिन्न अम्ल शर्करा और अन्य उपयोगी पदार्थों से भर जाता है तथा अंडाशय भित्ति फल भित्ति का रूप धारण कर लेती है। फल भित्ति के तीन भाग होते हैं, कौन कौन से, बाह्य फल भित्ति बाहरी स्तरी पर स्तर पर होता है जी, मध्य फला भित्ति या आपका मध्य स्तर पर होता है, अंतरा फल भित्ति ये सबसे अंदर के स्तर पर होता है। फलों की अगर प्रकारों की बात करें तो सत्य फल, हो सकता है सत्य बोलता हो इसलिए इसका नाम सत्य रख दिया। जब फल बनने में सिर्फ पुष्प का अंडा से ही भाग लेता है तो वैसे फल सत्य फल कहलाते हैं, जैसे अमरूद हो गया, आम। कूट फल, जब फल बनने में पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन ब्रह्म बाह्य दलपुंज आदि भी भाग लेते हैं। सरस या एकी पल फल, अंडाशय से विकसित होने वाले ये फल होते हैं। अष्टिफल, इसकी बाह्य फलभित्ति पतली, मध्य फलभित्ति गुदेदार और जो अंतः फलभित्ति होती है कठोर होती है, जैसे नारियल हो गया, आम, सुपारी, बादाम इसमें शामिल है। बेरी, इसकी बाह्य फलभित्ति पतली एवं मध्य फलभित्ति जो होती है गुदेदार तथा अंतः फलभित्ति पतली होती है, जैसे मटर, अंगूर, अमरूद, बैगन। पेपो, इनकी कोई भी भित्ति कठोर नहीं होती है, जैसे खीरा हो गया, ककड़ी, लौकी, तरबूज। हेस्पेरिडियम, इनका विकास बहुअंडपी एवं संयुक्त ऊर्ध्व अंडाशय से होता है। इनकी बाह्य फलभित्ति फांक में अनेक तेल ग्रंथियां होती हैं, फलभित्ति फांक के ऊपर रहती हैं, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी आदि। पॉम, यह संयुक्त अधो अंडाशय से चारों ओर मांसल तथा सरस पुष्पासन के विकास से बनता है, सेब, नाशपाती, लुकाट। वेलुस्टा, बहुकोष्ठीय बहुबीजी संयुक्त अर्ध अंडाशय से बनने वाला फल है, जैसे अनार। क्या है, अनार।
फिर आपका एमपी सारका, इसमें एपी कॉर्प कड़ा सख्त होता है, जैसे इसमें बेल हो गया, क्या हो गया बेल। अब चलते हैं बीज की तरफ, सीड्स। बीजों का निर्माण निषेचन के बाद ओवलोम से होता है। एक बीज में निम्न रचना पाई जाती है, ओबूल, बीजावरण, यह बीज का आवरण बनाता है, और बाहरी आवरण को टेस्टा तथा अंदर वाली आवरण को हम लोग टैगमेन कहते हैं। यह बीजों को सुरक्षा प्रदान करता है। माइक्रो पाइल, बीज में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसमें के द्वारा जल का अवशोषण होता है। अंकुरण के समय रेडिकल माइक्रो प्राइल से ही निकलता है। फिर आपका भ्रूण, एम्ब्रो, यह बीज के अंदर अविकसित पौधा होता है। इसमें रेडिकल, मूलांकुर और फिलोमोल, प्रांकुर नामक रचना पाई जाती है। रेडिकल से रॉट और फिलोमोल से तने का विकास होता है। फिर आपका भ्रूण पोष, यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। कुछ बीजों में एंडोस्पर्म संचित होता है तथा कुछ बीजों में अनुपस्थित होता है। जिस बीज में एंडोस्पर्म उपस्थित होता है एंडोस्पर्म सीड कहलाता है। चावल, गेहूं, मक्का, नारियल, अंडी आदि हो गया। जिस बीज में एंडोस्पर्म अनुपस्थित होता है नॉन एंडोस्पर्म स्पर्मिक सीड कहलाता है। चना, मटर, सेम आदि इसमें शामिल होता है। फिर आपका बीज पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक बीज पत्री, वैसा बीज जिसमें एक बीज पत्र होता है मोनोकोट कहलाता है, एक बीज पत्री कहलाता है। अर्थात इसे दो बराबर दलों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, जैसे चावल हो गया, गेहूं, मक्का। द्विबीजपत्र, डाइकोट, बी वैसा बीज जिसमें दो बीज पत्र होते हैं डाइकोट कहलाती है, या द्विबीजपत्र कहते हैं। इसे दो बराबर दलों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे चना, मटर, सेम, आम आपने देखा होगा। एक बीज पत्री बीज की रचना, मक्का, मक्का का बीज एक बीज पत्री होता है। मक्का कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट है। ऊपरी भाग में फ्रूट कोष पाया जाता है, यह स्टार्ची होता है। एंडोस्पर्म के बाहरी स्तर में प्रोटीन स्तर होता है, जिसे एलुरॉन लेयर कहते हैं। निचले भाग में एम्ब्रो पाया जाता है, उसमें ढाल की आकार की रचना पाई जाती है, जिसे हम लोग इसको स्कूल स्कूट लम कहते हैं। इसे मूलांकुर या फिर प्रांकुर पाए जाते हैं। रेडिकल जिस रचना से ढका होता है उसे हम लोग कोलियो राइजा तथा फिलो मूल से ढका होता है उसे हम लोग कोलियो प्रोटाइल कहलाता है। अब आपका द्वि बीज पत्री बीज की रचना, चना, यह द्वि बीज पत्री होता है। इसका एक सिरा नुकीला होता है और नुकीले सिरे पर माइक्रो फ्राइल होता है। अंडर द्वार के नीचे हीलम होता है। इसके नीचे मध्य भाग में एक धारी होती है जिसे रैप कहते हैं। बीज दो आवरण से ढका होता है, बाहरी आवरण को टेस्टा और अंदर वाली आवरण को हम लोग टैग मैन कहते हैं। यह आभूण पोषी होता है। बीजों का अंकुरण, बीजों को सुसुप्तावस्था में से सक्रिय अवस्था में आने को बीजों का अंकुरण कहते हैं। बीजों के अंकुरण के लिए निम्नलिखित कारकों का होना आवश्यक होता है, जल का H2O, ऑक्सीजन O2 और ताप का टेम्परेचर का। बीजों का अंकुरण तीन प्रकार से होता है। अधोभूमिक अंकुरण, वैसा जर्मिनेशन जिसमें बीज पत्र जमीन के नीचे रह जाता है। फिर आपका हाइपो गेल जर्मिनियम कहलाता है। इसमें ईपी कोटाइल तेजी से बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप बीज पत्र जमीन में ही रह जाता है, जैसे मक्का हो गया, गेहूं, चना, आम इत्यादि। फिर ऊपरी भूमि कंकरण, वैसा जर्मिनेशन जिसमें बीज पत्र जमीन से ऊपर आ जाता है, ईपी गील जर्मिनेशन कहलाता है। इसमें हाइपो कोटाइल तेजी से बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप बीज पत्र जमीन से ऊपर आ जाता है, अंडे होगा, कद्दू, करेला, सेम आदि। फिर आपका वी फेफरी,
यह स्पेशियल टाइप का अंकुरण होता है। इसमें बीज फल के अंदर ही अंकुरित हो जाता है। जब फल फटता है तो अंकुरित बीज स्वतंत्र हो जाता है। इसमें नए पौधे का विकास होता है, जैसे नारियल हो गया, राही जो फोरा हो गया आदि। फलों एवं बीजों के विकीर्ण की बात करें अगर हम लोग, तो बीजों से नए पौधों का निर्माण होता है। अनुकूल स्थिति में यह उचित वृद्धि विकास करता है। उसके लिए बीजों का दूर दूर तक वितरण आवश्यक होता है। इस प्रकार फलों एवं बीजों के वितरण को फलों एवं बीजों का विकीर्णन कहते हैं। फलों एवं बीजों का विकीर्णन निम्न विधियों द्वारा होता है। वायु द्वारा, आर्किड बीज बहुत छोटा और हल्का होता है। सिनकोना बीज छोटा एवं पंखयुक्त होता है। सूर्यमुखी और गेंदा बीज, सैमल कपास, रोएदार बीज, पोस्ता इत्यादि इसमें शामिल है बीज। जल द्वारा, जल के किनारे उगने वाले पौधे जैसे नारियल हो गया, रेशेदार मत फल भीति, कमल, स्पंजी, पुष्पासन ये हो गए। फिर जंतुओं द्वारा, खाने योग्य फल जिसमें कांटा, होक या फिर बाल जैसी रचना हो, जंतुओं द्वारा विकीर्णन होता है। जैसे आपका एक्सथियम में परिकार्प कांटेदार होता है, वोर हेविया में आपका स्टैंड की सब स्टैंड निकलता है। इसमें यांत्रिक विधि, कुछ फल अचानक एवं झटके के साथ फटते हैं, जिसके फलस्वरूप बीज तेजी से दूर तक वितरित होता है। जैसे मटर हो गया, फिर चना, सेम, रोहिलिया गुल मेहंदी आदि शामिल हो गए इसमें। फिर आपका परागकोष से परागण परागकण को वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम लोग पॉलिनेशन यानी कि परागण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, स्वपरागण। जब परागकोष से परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तब ऐसी क्रिया को हम लोग स्वपरागण कहते हैं। जैसे कम मेलिना ये आपका हो गया पुष्प परागण की विधियाँ। वायु परागण, हवा द्वारा परागण, कीट परागण कीटों द्वारा परागण, जल परागण जल द्वारा परागण, पक्षी परागण पक्षियों द्वारा परागण, मेलाकोफेलस घोंघे द्वारा परागण, चिरोप्टेरोफिलस ये चमगादड़ द्वारा परागण होता है। जंतु परागण ये आपका जंतु द्वारा परागण होता है। परपरागण क्या है? परपरागण जब परागकोष से परागकण उसी पौधे के दूसरे फूल या उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, इसे कहते हैं हम लोग, जैसे कद्दू हो गया, करेला, पपीता, ताड़ आदि। फिर आपका स्वपरागण के लिए अनुकूलता, तो इसमें आपका द्विलिंगता, द्विलिंगी पुष्प में स्वपरागण की क्रिया होती है। समलिंगी परिपक्वता, द्विलिंगी पुष्प में नए जनन भाग एवं मादा जनन भाग एक ही समय में परिपक्व होते हैं। वैसी स्थिति में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। आगे चलते हैं हम लोग। क्लेस्ट्रोगेमी, वैसे फूल जो हमेशा बंद रहते हैं उन्हें हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जैसे कम मेलिनिया। फिर आप परागण पर परागण के लिए अनुकूलता, एकलिंगता, एकलिंगी फूल में परागण की क्रिया होती है, जैसे कद्दू, करेला, पपीता आदि। विषम लिंगी परिपक्वता, द्विलिंगी पुष्प में जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नर जनन भाग और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मादा जनन भाग एक ही समय में परिपक्व नहीं होते हैं, तो वैसी स्थिति को हम लोग डिचोगेमी कहते हैं। विषम लिंगी परिपक्वता दो प्रकार की होती है। कितने? दो प्रकार की। कौन कौन सी है? प्रोटेंडरी, जब फ्लोवर में अंतर परागकोष कार्पल से पहली परिपक्व हों, तो इसे हम लोग प्रोटेंडरी कहते हैं। जैसे ओडहुल, सूर्यमुखी आदि इसमें आते हैं, ठीक है। फिर आपकी प्रोटोग्राइनी क्या है? प्रोटो
गाइनी, कार्पल पराग कोष से जल पहली परिपक्व होता है तब उसे हम लोग प्रोटो ग्राइनी गाइनी कहते हैं, जैसे फीकस रोज आदि। फिर आपका हेटरो स्टेली, जब स्टा मीन्स एवं कार्पल्स भिन्न भिन्न लंबाई हो के हों तो वैसी स्थिति में परपरागण की ही संभव होगा, जैसे ऑक्साइलिस प्रीमूला आदि। परपरागण के सहायकों की बात करें तो वायु परागण, जब पॉलिनेशन की क्रिया हवा द्वारा हो तो उसे हम लोग एनिमोफाइली कहते हैं, जैसे धान गेहूं मक्का। जल परागण, जब हम लोग जब परागण की क्रिया जल द्वारा होते हैं हम लोग हाइड्रो फाइली कहते हैं, जैसे जल परागण कहते हैं, जैसे हाइड्रोरेला बेली बेलिस नारिया आदि। जंतु परागण, जब परागण की क्रिया जंतु द्वारा होती है उसे जंतु परागण कहते हैं। जंतु परागण निम्न प्रकार के होते हैं, कीट परागण, जब परागण की क्रिया कीटों द्वारा होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटोमोफाइल, जैसे ओल गेंदा इत्यादि। सबसे ज़्यादा परागण की क्रिया कीट और मधुमक्खी द्वारा होती है। आप समझ रहे हैं कि कीट अगर ना हो और मधुमक्खी तो हमारे लिए नुकसानदायक है, परागण नहीं होगा ना फसल उगेगी अच्छे से, ना फूल पर आप समझ सकते हैं एक से दूसरे जगह ना बैठेंगे, तो मधुमक्खी हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। पक्षी परागण, जब परागण की क्रिया पक्षियों द्वारा होती है उसे हम लोग ऑर्निथोफाइल कहते हैं। चमगादड़ परागण, जब परागण की क्रिया चमगादड़ द्वारा होती है उसे हम लोग चिरोपेट्रियोफाइल कहते हैं, फाइली कहते हैं, जैसे ये बाउहिनिया। मोलस्का परागण, जब परागण की क्रिया मोलस्का द्वारा हो तो उसे हम लोग मालाकोफली कहते हैं। स्वपरागण से लाभ की बात करें तो पोलन ग्रेन्स की बर्बादी कम होती है, पौधे को एजेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, एजेंट पर। स्वपरागण से हानि की बात करें तो उससे उन्नत किस्म के बीज तैयार नहीं होते हैं। परपरागण से लाभ, तो इसमें उन्नत किस्म के बीज तैयार होते हैं आपके। फिर आपका फर्टिलाइजेशन निषेचन, नर युग्मक एवं मादा युग्मक की मेल को निषेचन कहते हैं। पॉलिन ग्रेन्स स्टिग्मा वर्तिकाग्र पर पहुंचकर अंकुरण शुरू कर देता है। स्टिग्मा पर पॉलिन ग्रेन जल का अवशोषण करके फूल जाता है। अंताचोल ट्यूब जैसी रचना बनाती है जो एग्जाइम में स्थित छिद्र द्वारा बाहर निकलता है। इस नली जैसी संरचना को पराग नालिका कहते हैं। परागकण का केंद्रक दो भाग जनन केंद्रक और जनन नलिका केंद्रक में बंट जाता है। जनक केंद्रक पुनः दो भागों में बंट जाता है, जिसके फलस्वरूप दो नर युग्मक का निर्माण होता है। पोलन ट्यूब ओवूल या भ्रूण कोष में पहुंचता है। इसके अग्रभाग पर एक छिद्र बन जाता है, जिसके फलस्वरूप मेल गेमेट एम्ब्रो सैक में पहुंचता है। एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयुक्त कर युग्मज बनाता है, जायगोट बनाता है। दूसरा मेल न्यूक्लियस सेकेंडरी न्यूक्लियस से संयुक्त कर भ्रूण कोष बनाता है। एंडोस्पर्म एम्ब्रो को पोषण प्रदान करता है इसे। फिर आपका आगे एंडोस्पर्म त्रिगुणित होता है, जायगोट द्विगुणित होता है। एग एवं मेल जेमेट अणु अणुगुणित होते हैं। चूंकि फर्टिलाइजेशन की क्रिया इसमें दो बार होती है इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में नवाज चिन्ह ने बताया था। नवाज चिन्ह ने फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की सर्वप्रथम खोज स्ट्रास बर्गर ने 1884 में किया था। जायगोट में प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती हैं, एम्ब्रो एम्ब्री एम्ब्रियोनिक सेल एवं सस्पेंसर सेल। भ्रूणी कोशिका में कई बार विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप भ्रूण बनता है। क्या बनता है? भ्रूण। निलंबक कोशिका में कई बार विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप निलंबक बनता है। निलंबक में 5 से 10 कोशिकाओं की पंक्ति होती है। निलंबक की सबसे ऊपरी कोशिका फूल जाती है, जिसे हाउस्टोरियल सेल कहते हैं। सस्पेंसर की सबसे निचली कोशिका हाइपोफाइसिस कहलाती है। हाइपो
फाइसिस मूलांकुर का अंतिम सिरा होता है, सस्पेंसर एम्ब्रो को एम्ब्रो सेक में धकेल देता है। मूलांकुर के निर्माण के बाद सस्पेंसर नष्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। परिपक्व भ्रूण में एक छोटा सा अक्ष एवं बीजपत्र होते हैं। एक बीजपत्री पौधों में एक बीजपत्र होता है, जबकि दो बीजपत्री में दो बीजपत्र होते हैं। अक्ष के अग्र सिरे पर फ्रांकुर, इसके नीचे मूलांकुर होता है। पलाव मूल से प्रहोर तंत्र तथा रेडिकल से जड़ तंत्र का निर्माण होता है। निषेचन के बाद ओवरी से फल और ओवोल से बीजांड से बीज बनता है आपका, ठीक है। अब आपका पादप ऊतकी, ऊतक टिशू, कोशिकाओं का वैसा समूह जिसकी उत्पत्ति एवं कार्य समान होते हैं हम लोग उसे ऊतक कहते हैं। हिस्टोस बराबर टिशू, लोगोस बराबर टू स्टडी। ऊतक के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। पौधों में ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पहला आपका विभाज्योत्की ऊतक, वैसा ऊतक जिसकी कोशिकाएं विभाजन की क्षमता रखती हैं विभाज्योत्तक ऊतक कहलाते हैं। विभाज्योत्तकी ऊतक की विशेषताओं की बात अगर हम लोग करें तो यह आपको अंडाकार, गोलाकार, बहुभुजी होता है। इसकी भित्तियां पतली होती हैं। अंतरकोश की स्थान अनुपस्थित होता है। जीव द्रव संघन केंद्रक बड़ा, केंद्रिका बहुत छोटी या फिर अनुपस्थित होती है। कोशिकाएँ जीवित होती हैं, क्या होती हैं, जीवित होती हैं। पोजीशन के आधार पर मेरिस्टम मेरिस्टेमेटिक टिशू तीन प्रकार की होती है। शीर्षस्थ विभाज्योत्तक, ये ऊतक जड़ तना अथवा पत्ती के शीर्षों पर पाए जाते हैं जिनके फलस्वरूप पौधों में प्राथमिक वृद्धि होती है। फिर आपका अंतर्वेशी विभाज्योत्तक, ये एपिकल मेरिस्टम के ही भाग हैं किंतु बीच में स्थायी ऊतक के आ जाने से अलग हो जाते हैं, जैसे घास में नोड के ठीक नीचे पाए जाते हैं। फिर आपका पार्श्व विभाजी ऊतक, इस प्रकार के ऊतक डिकोट रूट एवं डिकोट स्टेम द्वि पक्षी जड़ एवं द्वि बीज पत्री तना के पार्श्व भाग में पाए जाते हैं। एक और कैम्बियम एवं कैम्बियम में पाए जाते हैं, इससे पौधा मोटाई में वृद्धि करता है। उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर आप बात करें तो प्राक विभाज्योत्तक या भ्रूणीय अवस्था में तथा नवोद्भिद में मूल्यांकर एवं प्रांकुर के शीर्ष भाग पर पाया जाता है। इसी से प्राइमरी मेरिस्टम का निर्माण होता है। प्राथमिक विभाज्योत्तक या जड़ तना तथा अन्य उपांगों के शीर्ष पर पाया जाता है। पौधों में प्राथमिक वृद्धि इसी मेरिस्टम के कारण होती है। द्वितीयक विभाज्योत्तक यह पौधों के पार्श्व भाग में पाया जाता है। यह पौधे की मोटाई में वृद्धि करता है, जिसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ। स्थायी ऊतक, वैसा ऊतक जिसमें कोशिकाएं विभाजन की क्षमता खो देती हैं स्थायी ऊतक कहलाते हैं। स्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। सरल ऊतक, जब परमानेंट टिश्यू एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो सिंपल टिश्यू यानी कि सरल ऊतक कहते हैं इसे। सरल ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? सरल ऊतक, ये आपके मृदु ऊतक, कोशिकाएं जीवन समव्यासी गोलाकार बहुभुजी होती हैं। इसमें आपका अंतरकोशिकीय स्थान उपस्थित रहता है, क्या, अंतरकोशिकीय स्थान उपस्थित रहता है। रंध्र की सहायता से यह का विनिमय होता है या
और एक्सलम फोलोइम कोर टेक्स पिथ के अधिकांश भाग आपके मृदुता के ही बने होते हैं, ठीक है। या भोजन संचय का कार्य भी कहते हैं, क्या कहते हैं? भोजन संचय का काम कार्य भी कहते हैं। जब आपका मृदुतक में क्लोरोफिल सेकंड जब मृदुतक में क्लोरोफिल उपस्थित होता है तो उसे हम लोग माफ करिए, क्लोर रेन चेमा कहते हैं। वो स्कैन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई इसलिए दिख भी नहीं रहा है। इस प्रकार की कोशिकाएं मुख्यतः पत्तियों में पाई जाती हैं। फिर इसमें आपका स्थूल कोण ऊतक, कोशिकाएं जीवित एवं लंबी होती हैं इसमें, और इसमें इंटर सेलुलर स्पेस के दो कोनों में सेलुलोज एवं पैक्टिन के जमाव के कारण इसमें मोटाई होती है। यह पौधों की सहारा एवं यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं और इलास्टिक होता है इसमें, या इलास्टिक दृढ़ ऊतक या निर्जीव की रचना है। किसकी? निर्जीव की। उनकी कोशिकाएं की भित्ति मोटी एवं लिग्निन की बनी होती हैं, भित्ति मोटी एवं लिग्निन की बनी होती हैं। यह पौधों की यांत्रिक शक्ति एवं सहारा प्रदान करती हैं। जटिल ऊतक क्या है? जटिल ऊतक परमानेंट टिश्यू भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, तब वह कॉम्प्लेक्स इस टिश्यू कहलाता है। जाइलम यह जल एवं खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, जाइलम, ठीक है। इसे कंडक्टिंग टिशू भी कहते हैं। इस चार प्रकार की सेल पाए जाते हैं इसमें। वाहिनिकाएँ एक कोशिकाएँ लंबी एवं नलिकाकार होती हैं, नॉन लिविंग होती हैं। इनमें लूमेन चौड़ा होता है जिससे जल एवं खनिज लवण का सम्मान होता है। वाहिकाएँ एक कोशिकाएँ नलिका के समान बहुत लंबी होती हैं। जब एक दूसरे से जुड़ती हैं तो अनुप्रस्थ भित्तियाँ छिद्रयुक्त तो हो जाती हैं या फिर नष्ट हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप नलिकाएँ बन जाती हैं। ये जल एवं खनिज लवण का संवहन करती हैं। पेट्रियोडो फेटा एवं ग्राम्नोस्पर्म आपके जेनिटल्स टल्स को छोड़कर वेसल्स अनुपस्थित, इसमें वेसल्स अनुपस्थित रहती हैं वाहिकाएं। जाइलम पेरेन काइमा जब जाइलम में पेरेन काइमा उपस्थित होता है तो जाइलम पेरिकाइमा कहलाता है। यह पौधों में भोज पदार्थ को संचित करता है, किसे? भोज पदार्थ को। जाइलम तंतु जब जाइलम में स्क्लेरेंचिमा उपस्थित होता है तो इसे हम लोग जाइलम तंतु यानी कि जाइलम फाइबर्स कहते हैं। यह पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। फ्लोएम या जीवित रचना है, या भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में संवहन करता है। इसमें आपके चार प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। चालीन नलिकाएं, ये लंबी नलिकाएं नलिकाकार रचना है, ये जीवित कोशिकाएं हैं। इनकी भित्तियां सेलुलोज एवं पैक्टिन की बनी रहती हैं। इसके परिपक्व होने के बाद न्यूकल्स नष्ट हो जाते हैं या भोज पदार्थ का संवहन करता है। फिर आपका कैम्पनियन सेल प्रत्येक सीप ट्यूब के पार्श्व भाग में लंबी पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम लोग कैम्पनियन सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैम्पनियन। ये क्या है आपकी कैम्पनियन सेल्स? प्रत्येक सीप ट्यूब के पार्श्व भाग में लंबी पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम लोग
कैम्पनियन सेल्स कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस उपस्थित होता है। ये चलनी चलनी नलिका की संवहनी के कार्यों में सहायता करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका एफ्लोएम, पेरेंचीमा। जब फ्लोएम में पेंचीमा उपस्थित हो तो फ्लोएम पेंचीमा कहलाता है। यह भोजन संचय में सहायता होता है। फ्लोएम फाइबर्स, यह फ्लोएम में स्क्लेरेंचिया उपस्थित होता है तब फ्लोएम फाइबर्स कहलाता है। यह पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। स्रावी ऊतक, ये दो प्रकार के होते हैं। एक्सटर्नल सीक्रेटरी, पाचक ग्रंथि, जैसे कलश पौधा हो गया। ठीक है, फिर ऑयल ग्लैंड, जैसे एट्रोपा, नेक्टेरियस, ए यूफोरबिया, हाइड्रा थोट्स, जैसे टमाटर और जौ। फिर आपकी इंटरनल सेक्रेटरी सेल्स, जैसे पाइनस में, साइकस में, बबूल में, कत्था में इत्यादि। लेटेक्स वेसल्स, जैसे पोस्ता, पपीता। लेटेक्स सेल, जैसे आँख और यूफोरबिया। अब ये पौधों के नाम व उनका वनस्पति नाम है। फर्नीचर के लिए सागौन, इसे टेक्टोना ग्रैंडिस कहते हैं। साल, सोरिया रोबस्टा। शीशम, दलवर्जिया सिसु। चीड़, पाइनस लॉन्गिफोलिया। देवदार सैंडस, देवदारा। सेरेस एल्बिजिया लेबेक। आम को मैगीफेरा इंडिया इंडिका। सहतूत मोरस अल्वा, क्या मोरस अल्वा। ये आपके सुगंधित तेल देने वाले पौधे हो गए। गुलाब का तेल रोजा सेंटिफोलिया फोलिया। लेवेंडर ऑयल लेवेंडुअल आपी सेनिलिस। जैस्मिन का तेल जैस्मिनियम। चंदन का तेल सेंटलम एल्बम। चंपा का तेल माइकेलिया चंपा का। लौंग का तेल सीजियम एरोमेटिकम। कपूर, इसे आप लोग सिनो सिना मोमम कैम्फोरा। पिपरमेंट मेंथा पिपरीटा। केवड़ा का तेल पेंडेनस टेंकुटोरियस। औषधीय पौधे एकुनिट, या फिर मीठा जहर, एकुनिटम नापेलस। रेस्पिन राबोल्फिया सरपेंटाइना। कुनेन सिंकोना बेलाडोना। एटोपा बेलाडोना। रंग देने वाले पौधों की बात करें, कत्था, एकेसिया केटेचू, लकड़ी से। नील इंडिगो फेरा ट्रेंटोरिया की पत्ती से। कुसुम कार्थिमस टेक्टोरियस के फूल से। डाक डाक बेटुला मोनोस्पर्मा के फूल से। केसर क्रोकस सेटाइवस से, किस स्टेगमा और स्टाइल्स से। हल्दी करक्यूमिन लौंगा के ट्यूमर से। बहुत अजीब अजब अजीब नाम लिख। पान से संबंधित वनस्पतिक नाम हो गए। पान में खाए जाने वाली विभिन्न चीज़ों के वनस्पतिक नाम। पान का पत्ता पीपर बीटल। सुपारी एरिका केटेचू। जर्दा निकोसीना टोबेकम। लौंग सीजी जियम एरोमेटिकम। इलायची सिनमोमम जिला जेला निकम। सौंफ फोनिकुलम वल्गेर केवड़ा जल। पिंडेमस टैंग टोरियस नारियल। कोकस न्यूसी फेरा। बिना अल्कोहल वाले पेय पदार्थ चाय। यथिया सेनेंसिस नामक पौधे की पत्तियों से पाया जाता है। कॉफ़ी कॉफ़ी कूफिया अरविका पौधे की बीज से बनाया जाता है। कोको ये थेओब्रोमा कोको के बीज से निकाला जाता है।
प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाले कुछ अम्ल हैं आपके, क्या है? जैसे ये आपका प्राकृतिक स्रोत हो गया, अम्ल हो गया, खट्टे फल साइट्रिक अम्ल, घास पत्ते एवं मूत्र बेंजोइक अम्ल, चींटी एवं बिच्छू फार्मिक अम्ल, फल के रस एवं सुगंधित तेल एसिटिक अम्ल, सालेल का वृक्ष ऑक्जेलेटिक अम्ल। ये आपसे पूछ लेगा कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या फिर चींटी या बिच्छू के काटने से जलन होती है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। अब पादप शरीर क्रिया विज्ञान, विसरण, गैसों, द्रवों और विलयनों में पदार्थ के स्वतंत्र अणु उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, इस घटना को हम लोग विसरण कहते हैं। जड़ों द्वारा जल का अवशोषण भी विसरण द्वारा होता है। परासरण, परासरण किसी विलायक अणुओं का विसरण है, जो समय होता है जब विलायक को उसके विलेय से या विभिन्न सांद्रता वाले दो विलयनों को एक अर्ध परागम झिल्ली द्वारा अलग कर दिया जाता है। पौधे भूमि से जल का अवशोषण अपने मूल रोमों की सहायता से परासरण द्वारा ही करते हैं। भूमि जल, तीन प्रकार का जल पाया जाता है। गुरुत्वीय जल, जल मिट्टी में रिस कर गुरुत्वीय बल से नीचे चला जाता है, यह जल पौधे नहीं ले पाते हैं। आर्द्रता ग्राही जल, यह मजबूत बल के कारण मृदा कणों पर पतली फिल्म के रूप में अधिशोषित होता है, यह भी पौधे नहीं ले पाते हैं आपके। कोशिका जल, यह जल मृदा कणों एवं सूक्ष्म नलिकाओं में भरा रहता है, यह जल जलों जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है पेड़ों की। गिलानी गुणांक, यह मिट्टी में बची हुई जल की मात्रा है जिसमें कोई पौधा स्थायी मुरझान प्रकट करता है जबकि उसने सारा जल अवशोषित कर लिया है और आगे अवशोषित नहीं कर सकता है। पौधे द्वारा जल अवशोषण, पौधे की जड़ें जमीन के अंदर फैली होती हैं, इस पर वाल जैसी अनेक एक कोशिकीय रचनाएं होती पाई जाती हैं जिन्हें हम लोग मूल रोम कहते हैं, रॉट हेयर। परासरण द्वारा जल के अणु मूल रोम के अंदर प्रवेश कर पा जाते हैं और परासरण द्वारा जल मूल रोम रोम से कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। जल एंडोडर्मिस से होते हुए जाइलम वाहिकाओं में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार जल का परिवहन पौधे के संपूर्ण भाग में हो जाता है। मिट्टी से जड़ और पादप जल का स्थानांतरण का मार्ग निम्न है, कैसे? मृदा जल, कोशिका जल, मूल रोम, फिर आपका कार्टेक्स कोशिकाएं, अंतस्कुत्वचा, पारिरम, जाइलम, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन और वायुमंडल। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। जीव द्रव्य संकुचन, यदि किसी प्लांट कोशिका को अति पराशायी घोल में रखा जाए तो बहिर्परासरण द्वारा जीव द्रव्य सिकुड़ जाता है, ऐसी घटना को हम लोग प्लास्मोलिसिस कहते हैं। यदि इस कोशिका की को शुद्ध जल में रख दिया जाए तो अंततः परासरण द्वारा पुनः अपनी आकृति में आ जाती है, ऐसी घटना को जीव द्रव्य विकुचन कहते हैं। अंतःशोषण, वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी विलायक के अणु जल स्नेही पदार्थों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं अंतःशोषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बरसात के दिनों में दरवाजे की लकड़ियां फूल जाती हैं, बीजों को पानी में डालने पर वे भी फूल जाते हैं, आपने देखा होगा। आगे चलते हैं हम लोग। पौधों में जल का ऊपर चढ़ना रसारोहण कहलाता है। पौधों में रसारोहण संबंधी दो मत दिए गए, जैविक सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण की क्रिया लिविंग सेल द्वारा होती है। बॉस थ्योरी 1923 में दी, जगदीश चंद्र बोस ने बताया कि पौधों में रसारोहण कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में स्पंदन के कारण होता है, स्पंदन के कारण ही जल ऊपर की ओर चढ़ता है। फिर आपका स्ट्रास बर्गर ने लिविंग कोशिकाओं को विषैले द्रव द्वारा मार दिया तो फिर भी देखा कि एसेंट ऑफ सैप की क्रिया जारी है। इससे साबित होता है कि एसेंट ऑफ सैप के लिए लिविंग सेल का होना आवश्यक नहीं है। भौतिक सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार एसेंट ऑफ सैप निर्जीव कोशिकाओं द्वारा हो सकता है।
कैपिलरिटी सिद्धांत। यह सिद्धांत आपके बोहिम ने 1909 में दिया। इसके अनुसार एसेंट ऑफ सैप कैपिलरिटी एक्शन के कारण होता है। अंताचूषण सिद्धांत, यह सिद्धांत सच 1878 में दिया इन्होंने। इनके अनुसार एसेंट ऑफ सैप अंताशोषण के कारण होता है। फिर आपका ट्रांसपरेशन, चोइजन टेंशन थ्योरी, यह सिद्धांत डेक्सन एवं जूली ने 1894 में दिया। यह सिद्धांत सर्वमान्य जाइलम का पिसार रूट हियर से निकलकर से लेकर पत्तियों तक जाइलम के द्वारा ही पौधों में जल चढ़ता है। जल के अणुओं के बीच संसंजन बल बहुत अधिक होता है। साथ ही साथ जल के अणु एवं जाइलम वेसल्स की दीवारों के बीच आसंजन बल अधिक अधिक होता है। अब चलते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या ट्रांसपरेशन पौधों में वायवीय भागों मुख्यतः पत्तियों से जल की हानि को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के फलस्वरूप पत्तियों से पानी का लॉस होता है। पत्तियों की कोशिकाओं में जल की कमी होने से इसमें चूषण दाब उत्पन्न होता है। कैसा? चूषण, जिसके फलस्वरूप जाइलम से जल पत्तियों में पहुंचता है। पत्तियों की जाइलम तना और शाखाओं से जल खींचती है। इस प्रकार जाइलम में जल का एक कॉलम बन जाता है और यह जल रूट हेयर द्वारा पत्तियों तक पहुंचता रहता है। वाष्पोत्सर्जन में स्टोमेटा की भूमिका। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः पत्तियों में उपस्थित स्टोमेटा द्वारा होती है। स्टोमेटा में एक छिद्र होता है जिसे स्टोमेटल पोर कहते हैं। यह छिद्र कोशिकाओं द्वारा घिरा होता है जिसे हम लोग गॉयड सेल्स कहते हैं। गॉयड सेल्स का वाल छिद्र की निकट मोटा होता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमाटा के खुलने एवं बंद होने पर निर्भर करती है। दिन में गॉयड सेल्स के प्लस आयन की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण जीव द्रव्य की सांद्रता बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप अन्य कोशिकाओं में से जल गॉयड सेल्स में भर जाता है जिसके कारण गॉयड सेल्स फुल हो जाते हैं। इनकी भित्तियों के बाहरी भाग और अधिक उत्तल हो जाते हैं जिसके कारण छिद्र खुल जाते हैं। अंधेरे में के प्लस आयन गॉयड सेल से चले जाते हैं जिसके फलस्वरूप इनमें उपस्थित जीव द्रव्य की सांद्रता कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में गॉयड सेल्स से निकल जाता है जिसके कारण फ्लैसिड हो जाता है और छिद्र खुल जाता है। वाष्पोत्सर्जन पर प्रभाव डालने वाले कारकों की बात करें तो प्रकाश की तीव्रता और ताप में वृद्धि से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। आर्द्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन घटता है। तेज हवा से वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाता है। क्रोटिकल का थिक लेयर धसा हुआ स्टोमाटा हाइपोडर्मिस का थिक वॉल मोसिलेज डॉक्ट इत्यादि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम कर देता है। वाष्पोत्सर्जन के महत्व की अगर बात करें कि इसका महत्व क्या है तो जल एवं खनिज लवण को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने में मदद करता है। पौधों में ताप एवं ऊष्मा को संतुलित रखता है। हानिकारक प्रभाव, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अत्यधिक होने से पौधे मुरझा जाते हैं। पोटोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर को मापा जाता है। बिंदु स्राव, पौधे से द्रव के रूप में अतिरिक्त जल निकलने को हम लोग बिंदु स्राव कहते हैं। जल द्रव के रूप में छिद्र जिस छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है उसे हम लोग हाइड्रेथोर कहलाता है। गोटेंसन की क्रिया टोमाटो बार्ली ग्रास आदि में होती है। गोटेंसन द्वारा निकले जल में Mg मैग्नीशियम MnN Na आदि लवण उपस्थित होते हैं। यार इसे किसी भी तरह से एडजस्ट करना क्योंकि मैं इसका ज्ञाता नहीं हूँ और मुझसे अच्छा से पढ़ाया भी नहीं जाएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, दिया गया है तो बताना तो पड़ेगा ही। खनिज पोषण, पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है जिसमें 10 तत्व दीर्घ मात्रिक और 6 आपके लघु मात्रिक हैं। इनमें एक ही
एक की भी कमी से पौधे का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। द्विमात्रिक पोषक तत्व, ये 10 तत्व होते हैं जो इस प्रकार हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, आयरन होते हैं। लघु तत्व एवं ट्रेस तत्व, ये 6 तत्व होते हैं: जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीज, बोरोन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन। ठीक है, पौधे में पाए जाने वाले खनिज खनिज तत्व, उनके प्रमुख कार्य, उनकी कमी के लक्षण। ये खनिज तत्व हो गए, कार्य हो गए, कुछ सामान्य कमी को दर्शाने वाले लक्षण। सल्फर, कई अमीनो अम्ल, विटामिन और को एंजाइम ए का अंतिम अवयव है। ये हरी माह, इसकी कमी से दर्शाने वाला लक्षण हरी माह, हरिमाहीनता। सोडियम, मुख्यतः कोशिका कला से संबंधित कार्यों में, किसका, कोशिका का, कोशिका तथा पोटेशियम का। पहला इसमें आपका देखते हैं, आपकी पत्तियों के किनारे पीले भूरे भूरा हो जाना और समय से पहले पौधों का मर जाना हरिमहीनता कहलाता है। दूसरा, कोशिका के अंदर तरल की मात्रा को नियंत्रित करना इसका काम है, सोडियम और पोटेशियम की भांति। क्लोरीन, परनहरित का एक आवश्यक भाग है, इसकी कमी से हरिमहीनता होता है। मैग्नीशियम, क्लोरीन मैग्नीशियम कई एंजाइम की उत्प्रेरक शक्ति के लिए आवश्यक है। इलेक्ट्रॉन संवाहकों साइटोक्रोम प्रमुख अवयव है, हरिमहीनता इसके कारण भी होता है। लोहे, क्लोरोफिल का निर्माण करने वाली पोरफायरिन का मुख्य अवयव, हरिमहीनता इसके कारण भी, कमी के कारण होता है। मैग्नीज, प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण में क्रियाशील डी कार्बोक्सिलेज तथा डीहाइड्रोजीनेज एंजाइमों एवं फास्फेटोज का मुख्य अवयव है। पत्तियों पर पीले धब्बे पड़ जाते हैं इसकी कमी से। मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। वृद्धि की दर में कमी, पौधों की कुरवरण। तांबा, श्वसन में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। स्तंभों पर कैडाई हुए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक फिलास्टोसाइनिन का प्रमुख अवयव। स्तंभित वृद्धि, पत्तियों विकृत हो जाती हैं, अंतरश्रीय हरिमहीनता देखने को मिलती है। कैल्शियम, कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक तथा कोशिका भित्ति के बीच मध्य पट्टिका में कैल्शियम पेक्टेट का निर्माण। स्तंभिक या फिर अवरोध वृद्धि, ऊतक क्षरण। फास्फोरस, इसमें सॉरी दूसरा है, एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ाना। फास्फोरस, न्यूक्लियक अम्लों एटीपी तथा अनेक प्रोटीन की महत्वपूर्ण अवयव। मुख्यतः जड़ों की स्तंभिक वृद्धि, कोशिका कला की संरचना हेतु फॉस्फोलिपिड का निर्माण इसका कार्य है। नाइट्रोजन, प्रोटीन, न्यूक्लियक अम्ल तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों का निर्माण, उदाहरण के लिए कोएंजाइम तथा क्लोरोफिल। स्तंभ वृद्धि और हरिमहीनता एवं मंद शोषण। जिंक, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज आदि एंजाइम का सक्रिय कारक। बोरोन, पौधों में शर्करा का स्थानांतरण, विभाज्य ऊतक में कोशिका विभाजन। पुष्पन में कमी, कोशिका विभाजन में कमी, जड़ों के विकास में कमी देखी जाती है। यह है आपका नाइट्रोजन यौगिकीकरण। प्रकृति में नाइट्रोजन की गैस की मात्रा 78% होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन पौधों के लिए अनुपयोगी है क्योंकि पौधे नाइट्रोजन को गैस के रूप में कभी नहीं लेते हैं, बल्कि नाइट्रेट यानी कि NO3 और नाइट्राइड यानी कि NA2 के रूप में लेते हैं इसे। इसलिए नाइट्रोजन के यौगिकीकरण का पौधों के लिए बहुत महत्व है। जब बिजली चमकती है तो प्रकृति में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में मिल जाते हैं और नाइट्रेट बनाते हैं। जैविक विधि से दो प्रकार से नाइट्रोजन यौगिकीकरण होता है, कैसे कैसे। पहला है आपका जैविक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दलहनी फसलों की जड़ों में सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम, जो जैविक क्रियाओं द्वारा प्रकृति से नाइट्रोजन लेकर नाइट्रेट में बदल देते हैं।
पर आपका असहजीवी जैविक नाइट्रोजन यौगिकीकरण। कुछ नील हरे शैवाल होते हैं जैसे एल्बिना, साइटोनीमा, नोस्टॉक, रिबुलिया, रिबुलेरिया आदि, या तथा जीवाणु जैसे एजेटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रिडियम आदि स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन यौगिकीकरण करते रहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण। पौधों में जल, प्रकाश पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सिक्स सी ओ टू प्लस 12H2O पर्णहरित प्रकाश की उपस्थिति में एक क्रिया होती है और क्या बनाती है, C6H12O6 यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्लस 6O2 यानी कि ऑक्सीजन और जल बीच से बनता है। केवल हरे पौधे और कुछ जीवाणु ही सूर्य की ऊर्जा का अवशोषण कर उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलने में समर्थ होते हैं और शर्करा का संश्लेषण करते हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। हरा वर्णक वर्णहरित का एक अणु है जो मानव रक्त की हीमोग्लोबिन के समान होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इस अणु का प्रमुख स्थान है। यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। क्लोरोफिल मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। क्लोरोफिल ए, ये हरा रंग का, क्लोरोफिल बी, ये आपका हरा रंग का, ये आपका कार्टून, ये आपका लाल रंग का, जेंथोफाइल ये आपका पीला रंग का, कैरोटेन और जेंथोफाइल ए हेड रीजन अनुपस्थित, इसमें क्या होता है, हेड रीजन अनुपस्थित होता है। क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप और क्लोरो बी में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य की जरूरत पर सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। इन चार कारकों की जरूरत पड़ती है आपके प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रकाश की तीव्रता की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि प्रकाश की अधिक हो तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी अधिक होती है। इस क्रिया की दर प्रकाश की लाल रंग में सबसे अधिक तथा हरे रंग में सबसे कम देखने को मिलती है। प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, प्रकाशित अभिक्रिया और अप्रकाशित अभिक्रिया। प्रकाशित अभिक्रिया की बात करें हम लोग तो यह अभिक्रिया हरित लवक में उपस्थित ग्रेना में संपन्न होती है। सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। उस ऊर्जा से एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है, एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। इस प्रकार सूर्य की प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन द्वारा जल अपघटित होकर H+ और OH- में आयन में परिवर्तित होते हैं। H2O इस तरह से हाइड्रोजन आयन हो गया है और हाइड्रोक्साइड में और आयन। ठीक है, NADP निकोटिनेमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन ग्राही है जो कि हाइड्रोजन को ग्रहण करके NADPH2 में परिवर्तित हो जाता है इस तरह से 2NADP+4H+ आयन एक क्रिया करके 2NADPH2 बनाता है। 4OH- आयन संघनित होकर जल एवं ऑक्सीजन बनाता है। इलेक्ट्रॉन पुनः क्लोरोफिल में वापस चला जाता है तथा ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। O2 का निष्कासन H2O से होता है। लाइट रिएक्शन में निम्न क्रियाएं होती है, ATP का निर्माण, NADPH2 बनता है, जल का अपघटन होता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है इसमें। अप्रकाशिक अभिक्रिया, यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित स्ट्रोमा में संपन्न होती है। लाइट रिएक्शन में ATP एवं NADPH2 का जो निर्माण होता है वह स्ट्रोमा में पहुंचता है।
हाइड्रोजन को स्टोमा में छोड़ देता है, वायुमंडल में CO2 स्टोमा में पहुंचता है। CO2 का ग्राही RUDP राइबोलोज डिफॉस्फेट है। अब CO2 एवं हाइड्रोजन मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है। ऑक्सीजन की अधिकता होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। मंड स्टार्च के संचित होने पर भी प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। संतुलित प्रकाश सायकाल यानी कि सुबह में पौधों में श्वसन के फलस्वरूप निकलती है CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त होती है। बाहर से CO2 की आवश्यकता नहीं होती है, संतुलित प्रकाश तीव्रता कहलाती है। पादप हार्मोन प्लांट हार्मोन विशेष कार्बनिक यौगिक हैं जो बहुत कम मात्रा में ही पौधों में उपापचय क्रिया को नियंत्रित करते हैं। उन पदार्थों को फोटो हार्मोन्स या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलर कहते हैं। पौधों में निम्न हार्मोन पाए जाते हैं। ऑक्सिन, इस हार्मोन की खोज डार्विन ने 1880 में की थी। इसके उदाहरण हैं इंडो एसिटिक एसिड IAA, इंडोल ब्यूटिरिक अम्ल, नेप्थिलीन एसिटिक अम्ल 2.4D एसिड। ठीक है, फिर इसके मुख्य कार्यों की बात करें तो ऑक्सीजन ऑक्सिन के कारण पौधों में शीश प्रमुखता होती है और फास्ट कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। कुछ पौधों में शीश कलिका काट दी जाती है जिसके कारण फास्ट कलिका में वृद्धि होती है। और उसके बाद जड़ों की शाखाओं की संख्या बढ़ती है। इससे पत्तियों एवं फूलों के झड़ने का पर नियंत्रण होता है। खरपतवार को नष्ट करता है। बीज रहित फल के निर्माण में सहायक होता है। बीज रहित फल को पार्थेनोकार्पिक कहते हैं, जैसे टमाटर हो गया, अंगूर हो गया, सेब हो गया। फिर आपका जिब्रेलिन की खोज जापानी वैज्ञानिक कोरोसोवा ने 1926 में की थी। कब? 1926 में। जिब्रेला फ्यूजी कुरोई नामक कवक से उस हार्मोन को प्राप्त किया जाता है। जिब्रेलिन के कार्यों की बात करें तो पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। बीजों की विषुप्तावस्था को भंग करने में करता है। पुष्पों के बनने का नियंत्रण रखता है। इसमें प्रयोग प्रायः नर पुष्प की उत्पत्ति होती है। बड़े आकार के फल प्राप्त करने में सहायता होती है। कलिकाओं की विषुप्ति को भंग करता है। साइटोकाइनिन, इसकी खोज मिलर ने की थी। किसने? मिलर साहब ने की थी। पादप हार्मोन, उनके कार्यों की बात करें हम लोग, हार्मोनक और कार्य। ऑक्सिन पत्तियों के विलगन को रोकना, खरपतवार को विनष्ट करना, फसल गिरने से रोकना। जिब्रेलिन बौने पौधों को लंबा करना, फूल बनने में मदद करना। इथिलीन फल पकाने में मदद करना, गैस हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड पुष्पण में बाधक, बीजों को सुप्तावस्था में रखना, पत्तियों का विलगन। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन एवं विकास में मदद करना, जीर्णता को रोकना। साइटोकाइनिन के कार्यों की बात करें अगर हम लोग तो यह कोशिका विभाजन को उत्प्रेरित करता है। कोशिका विभेदन में सहायक होता है। बीजों एवं तनों की कलिकाओं में प्रसुप्त ऊतकों की वृद्धि के लिए उत्प्रेरित करती है। अग्रस्त कलिका की प्रभावितता को कम करती है। फ्लोरी जेंस फूलों के खिलने में सहायक होता है। इसलिए इस हार्मोन को फ्लोरिंग हार्मोन भी कहते हैं। ट्राउमेटिन हार्मोन पौधों में घायल कोशिकाओं को भरने में सहायता होता है। एथिलीन गैसीय प्रकृति का वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है एथिलीन। ठीक है, एथिलीन के कार्यों की बात करें हम लोग तो यह फलों को पकाने में भी सहायक होता है। कद्दू और करेला आदि में मदा पुष्पों एवं फलों की संख्या में वृद्धि में सहायक होता है। पत्तियों पुष्पों एवं फलों में विलगन तथा मदा पुष्पों के विकास में सहायक होता है। रोबर प्लांट में लेटेक्स की प्रवाह को प्रेरित करता है। तनों की लंबाई में वृद्धि तथा नर पुष्प के विकास को संबंधित करता है। फिर आपका एओसिसिक अम्ल वृद्धि रोधक हार्मोन है। इसका संश्लेषण पत्तियों और तनों एवं बीजों में होता है। इसका प्रभाव निम्नलिखित है, क्या है? बीजों एवं कलियों को सुसुप्तावस्था में रखना और उसके बाद पुष्पन में भी
बाधक होना, वाष्पोत्सर्जन को मंद करना, पत्तियों के विलगन में मुख्य भूमिका अदा करना इसका काम है। पौधों में गतियाँ गुरुत्व बल, प्रकाश, ताप तथा संवेदन से प्रेरित होती हैं। गुरुत्व बल के कारण जड़ें जमीन के अंदर तथा तना जमीन के विपरीत बढ़ता है। कुछ शैवाल ताप से बचने के लिए जल की गहराई में चले जाते हैं। पादप की कुछ विशेष गतियाँ निम्न प्रकार की हैं। स्पर्शानुवर्तन, सामान्यतः लता वाले पौधे जैसे कद्दू, करेला, नेनुआ या फिर तुरी आदि में पेतान निकला होता है, जिसके द्वारा ये सपोर्ट पर चढ़ते हैं या उद्दीपन घर्षण से होता है। कंपानु कुछ नहीं गति, कुछ पौधों की पत्तियां झुक जाती हैं जैसे छुई मुई। प्रकाशनु कंचनी गति, सूर्यमुखी में फूल सूर्य के प्रकाश की ओर रहता है। तापानुकुंचन, ऊंचे ताप पर केरोकस, टॉलिप, कॉल चीकम के फूल खिलते हैं और ताप कम होने पर बंद हो जाते हैं। फोटोटैक्सिस, जब गति लाइट द्वारा उद्दीप्त होती है तब वह फोटोटैक्सिस कहलाती है। थर्मोटैक्सिस, जब पौधों में गति ताप के कारण होती है तब थर्मोटैक्सिस कहलाती है। थेग्मोटैक्सिस, जब पौधे में गति छूने पर होती है तब हम लोग इसे थेग्मोटैक्सिस कहते हैं। रियोटैक्सिस, जब पौधे में गति वाटर करंट द्वारा होती है तब रियोटैक्सिस कहलाती है। गैल्वेनोटैक्सिस, जब पौधे में गति इलेक्ट्रिक करंट द्वारा होती है गैल्वेनोटैक्सिस कहलाती है। सेलेरी गति, जब प्लैनेट्स में गति सेलिया के द्वारा होता है तो सेलेरी मूवमेंट कहलाते हैं। किलोमाइड डोमोनस और बोल्वो बोल्वोक्स, अमीबीय गति, पौधों में गति पिसियोडोफोडिया लाइक रचना से होती है जैसे प्लास्मो डिफोरा, इसमें फिर आपकी श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम। श्वसन दो प्रकार का होता है, अनोक्सी श्वसन या श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह क्रिया निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित की जाती है, C6H12O6 क्रिया करके बनाता है 2C2H5OH प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, कितनी 28 कैलोरी ऊर्जा। इस क्रिया में खाद्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। उदाहरण के लिए उगते बीज अनोक्सीश्वसन करते हैं। अनोक्सीश्वसन को किण्वन कहते हैं तथा यह सूक्ष्म जीवों में होता है। ऑक्सीश्वसन यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस क्रिया को निम्न समीकरण से प्रदर्शित किया जा सकता है, C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन, ये आपका ग्लूकोज हो गया, ये ऑक्सीजन। ये क्रिया कर C6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O जल और 673 कैलोरी प्रतिमोल ऊर्जा प्राप्त करता है। इस क्रिया में खाद्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ये आपका कुछ सब्जियों एवं फलों के संबंधित विभिन्न जानकारी। हिंदी में नाम प्रकार उखाने योग्य भाग, टमाटर, बेरी, सरस फल, फलभीति एवं बीजांडासन, तरबूज, पीपो, मध्य एवं अंतराफलभीति और बीजांडासन, नाशपाती, पॉम, गुदेदार पुष्पासन, सेब, पॉम, गुदेदार पुष्पासन, अंगूर, बेरी, सरस फल, फलभीति एवं बीजांडासन, अंजीर, साइकोनस, रैकिस और बीज, अनार, बालोस्टा, रसदार बीज का बाह्य चोल, फिर आपका अमरूद, बेरी, सरस फल, फलभीति तथा बीजांडासन, अन्नास, सोरोसिस, रैकिम, सहपत्र, परितल और फलभीति, आम, अष्टीफल, डूप, मासल, मध्य फल भीति, केला, बेरी, मध्य और अंताभीति, बीजांडासन, काजू, नट, बीजपत्र तथा पुष्पवृत्त, बैगन, बेरी, सरस फल, फलभीति और बीजांडासन, जामुन, सरस फल, बेरी, फलभीति और बीजांडासन, मटर और अन्य दालें, फली, बीजपत्र और भूख,
भिंडी कैप्सूल, समूचा फल और फल बीते, इमली लेमेंटम मध्य फल बीते, कटहल सोरोसिस सहपत्र परिदल और बीज, बेर ड्रूप फल बीती गुदेदार, बेल एम्फीसारका भीतरी फल बीती गुदेदार बीजांडसन, मूंगफली लोमेंटम बीजपत और भूड, सहतूत सोरोसिस रसीले परिदल पुंज, शरीफा बेरी का पुंज मासल और गुदेदार पुष्पासन, स्ट्रॉबेरी एकीन का पुंज मासल और गुदेदार पुष्पासन, गेहूं चावल मक्का जौ कैरियोपिप्स ये भूड पोस और भूड, सिंगाड़ा नट बीजपत, नींबू संतरा माल्टा एवं मौसमी, ये आपका हेस्परिडियम अंताभीति से विकसित एवं एक कोशिकीय और रसीली रोम। पौधों का चिकित्सीय महत्व बात करें अगर हम लोग, ये आपके पौधे हो गए, प्राप्त औषधि हो गया उपयोग, तंबाकू निकोटिन इससे प्राप्त होता है, आपने सुना होगा कि तंबाकू में निकोटिन पाया जाता है, नशा दर्द निवारक के रूप में भी इसका उपयोग होता है, सेनकोना की छाल कुनेन मलेरिया के उपचार में भी इसका उपयोग होता है, इपेकोक इमेटिन उल्टी करवाने के में उपयोग होता है, एफेडा अफीडाइन मायोकार्डियम को उत्तेजित करने में तथा रक्तचाप को बढ़ाने में होता है, एस एरिथेरस एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक के रूप में होता है इसका, चाय कॉफी कैफीन दर्द निवारक के रूप में होता है, अफीम हीरोइन दर्द निवारक नशा के रूप में इसका उपयोग होता है, अफीम मार्फिन इसमें पाया जाता है, मार्फिन ये दर्द निवारक और नशा के रूप में इसका उपयोग होता है, एडोफा एक्यूमिनाटा बेला डोना मायोकार्डियम को उत्तेजित करना रक्तचाप को बढ़ाना इस प्रकार की क्रिया का एडेनलिन से मिलती है, अट्रोपा बेला डोना इससे बेलाडोना प्राप्त होता है, काली खांसी दमा आदि में उपयोग किया जाता है, पेनिसिलियम नोटेटम ये पेनिसिलिन इससे प्राप्त होती है, एंटीबायोटिक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, इरेथोजाइलोन कोका ये कोकीन नशा दर्द निवारक के रूप में भी इसका उपयोग होता है, ग्लिस राइजा गलेबरा ग्लिस राइजा इससे प्राप्त होता है, दवाओं में फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में तथा कफ निवारक के रूप में इसका उपयोग होता है, ओरियो फेरनीन्स ओरियो माइसिन इससे प्राप्त होता है, एंटीबायोटिक के रूप में इसका उपयोग होता है, एस्पर जीलस जवार जवाहरन एंटीबायोटिक के रूप में इसका उपयोग होता है, फाकन गिलो इससे डिजिटिलिस प्राप्त होता है, दर्द निवारक के रूप में इसका उपयोग होता है, राइबोल्फिया सरपेंटाइन रिजवाइन दर्द निवारक के रूप में इसका उपयोग होता है, विलो एस्प्रिन दर्द निवारक के रूप में इसका उपयोग होता है, विलो कोडीन दर्द निवारक के रूप में इसका उपयोग होता है, विलो पेंटाजोसिन दर्द निवारक के रूप में इसका उपयोग होता है, कुछ आपके विशिष्ट पौधे भी हैं इन्हें भी देख लीजिए, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म पौधा है ये यूकेलिप्टस, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म लेमना पौधा है, सबसे बड़ा बीज लोडोकिया, सबसे बड़ा पुष्प रेफेल्सिया आना लड़ी, उसके बाद सबसे बड़ी पत्ती विक्टोरिया अमेजोनिका, सबसे बड़ा बीजांड साइकस, सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म पौधा सेक्यूया जाइगेंटिक गेंटिया, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पौधा जामिया पिग्मिया, सबसे छोटा बायोफाइट जूपोपसिस, सबसे बड़ा बायोफाइटा डाउसोनिया, सबसे छोटा टेरिडोफाइट एजोला, तो आपके पौधे में सबसे अधिक गुड़सूत ओपियो गिलोसम, पौधों में सबसे कम गुड़सूत हेप्ला पेपस ग्रेसिलिस, सबसे छोटी पादप कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टम, सबसे बड़ा पादप गुड़सूत ट्रेलियम, क्या है ट्रेलियम, सबसे बड़ा पादप अंड ये साइकस, सबसे बड़ा पुमंग साइकस, सबसे सूक्ष्म पादप बीज ऑर्किड, सबसे बड़ा पादप पुष्प सबसे छोटा पादप पुष्प बॉल्फिया, जड़विहीन एनजीओ स्पर्म एंड्रोबेंडा या फिर टेनियो फाइलम इसे कहते हैं, सबसे कठोर काष्ठ
हार्डबिकिया वाइनेटा, ठीक है। सबसे हल्की काष्ठ या लकड़ी, आक्रोमा लागोपस वल्सा, पुरोहित पादप राइजोफोरा सीमी कार्पस। सबसे लंबी जड़ वाला पौधा, एडनसोनिया डिजिटेटा। सर्वाधिक वायु वाला पौधा, पू रेमांडी। सर्वाधिक ऊंचाई पर जाने वाला पौधा, एंजियोस्पर्म। क्या है? एर्मानिया हिमालय हिमालयनसिस, रेनिनकुलस लोबेटस। इसकी ऊंचाई है, कुल आप देखते हैं 7756 मीटर ऊंचा। सबसे विशाल कैक्टस सीरियस गिगंटियस, तने की लंबाई इसकी 25 मीटर। सबसे लंबी समुद्री झाड़ झंखाड़, माइक्रोसिस्टस पायरीफेरा। पता नहीं किस किस तरह के नाम रख दिए जाते हैं, अब आप ही सोचिए। अम्ल के स्रोत, निर्माण विधि और उपयोग। इससे क्वेश्चंस बाई कभी कभार पूछ ले अगर तो पूछता है। मुझे नहीं लगता है कि कभी एक आध बार, हाँ हो सकता है बात के रूम में, लेकिन आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस या तो फिजिक्स से बनते दिखते हैं, या केमिस्ट्री से, या फिर बायोलॉजी से, जो आपके मानव विज्ञान है उससे संबंधित। अम्ल हैं ये, प्राकृतिक स्रोत हो गए, औद्योगिक निर्माण विधि और उपयोग। साइटिक अम्ल खट्टे फलों एवं नींबू में होता है। कच्ची शर्करा के किण्वन से खाद्य पदार्थ में, दवाओं के बनाने में, धातुओं को साफ करने तथा कपड़ा उद्योग में। याद रखिए, इसे एक आध बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन से संबंधित जो हो उन्हें लगा लेना, ठीक है। बार बार टेंशन मत लेना, क्योंकि बड़ा बोरिंग टॉपिक है ये। एसिटिक अम्ल फलों के रसों में और सुगंधित तेलों में, सिरका से, एसिटिलीन से। खट्टे खाद्य पदार्थ बनाने में और विलायक के रूप में, फार्मिक ये लाल चिंटियों से। फलों को संरक्षित रखने में एवं जीवाणु नाशक के रूप में, बर्रों एवं बिच्छू में, चमड़ा व्यवसाय में एवं रबर के इस्कंदर में इसका उपयोग होता है। सल्फ्यूरिक हरा कसीस, सीसी कक्ष और संपर्क विधि। संचायक बैटरी बनाने में, विस्फोटक निर्माण में, औषधि निर्माण में। नाइट्रिक अम्ल फिटकरी एवं सोरा से। साल्टपीटर और वॉकलैंड अर्कपिक्रम द्वारा फोटोग्राफी में, अम्लराज बनाने में, औषधि एवं उर्वरक बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। बेंजोइक घास पत्ते मूत, बेंजाइल क्लोराइड से। दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण के रूप में इसका उपयोग होता है। ऑक्जेलिक सारेल की बैच, सोडियम फार्मेट से। फोटोग्राफी में, चमड़े के भरंजक के रूप में, कपड़ों की छपाई और रंगाई में इसका उपयोग होता है। आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण पौधे हैं, जैसे सब्जियां देने वाले पौधे। नाम हो गए, पादप का भाग हुआ है, पोषक तत्व। मूली गाजर जड़, विटामिन ए। चुकंदर जड़, शर्करा प्रोटीन और विटामिन खनिज। शकरकंद जड़, शर्करा स्टार्च आलू तना। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च अरबी तना कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। धान फसलें गेहूं चावल सरक मक्का। इससे दाना पादप का भाग है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपको पोषक तत्व मिलते हैं। जौ जई राई दाना कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन इससे आपको मिलते हैं। अरहर अरहर मसूर चना राजमा, इससे आपका बीज पत्र प्रोटीन मिलता है। मटर उदड़ मूंग सोयाबीन, ये भी बीज पत्र भाग प्रयोग होता है। प्रोटीन और वसा इससे प्राप्त होता है। फल देने वाले पौधे अनार, इसका पादप भाग है फल। विटामिन खनिज से प्राप्त होते हैं। पपीता फल विटामिन ए बी सी सी ए कैल्शियम फेरिक ऑक्साइड और पोटेशियम और प्रोपेन एंजाइम से प्राप्त होते हैं। अंगूर अंगूर से आपको, सॉरी केला फल विटामिन ए बी सी खनिज शर्करा कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अंगूर फल है, इसका उपयोग होता है शर्करा विटामिन। अमरूद फल विटामिन सी और बी और कार्बोहाइड्रेट। बेल फल विटामिन कार्बोहाइड्रेट खनिज। संतरा नींबू फल विटामिन सी। सेब फल खनिज विटामिन शर्करा लोहा प्रोटीन। नाशपाती फल विटामिन प्रोटीन लोहा खनिज। आम फल कार्बोहाइड्रेट विटामिन। शरीफा ये भी फल है, इससे आपको विटामिन और खनिज। लीची फल कार्बोहाइड्रेट शर्करा। दृढ़ फल देने वाले पौधे, ये आपके नाम हो गए, पादप का भाग पोषक तत्व।
बादाम बीज पत्र प्रोटीन से मिलता है, नारियल भूनपोष कार्बोहाइड्रेट विटामिन वसा, मूंगफली बीज वसा कार्बोहाइड्रेट विटामिन, औषधि देने वाले पौधे, इसमें आपका कुनेन हो गया, इसकी छाल उपयोग होती है मलेरिया की दवा में, बेलाडोना पत्ती और तना, इसमें आपका एट्रोपीन नामक क्षार पाया जाता है जो कि दवा निवारक होता है, दर्द निवारक होता है, यह आंखों की पुतलियां फैलाने में भी उपयोगी है। ब्रह्मी पत्ती टॉनिक, स्मरण शक्ति बढ़ाने में इसका उपयोग होता है। अश्वगंधा जड़ आयुर्वेदिक औषधि, सर्पगंधा जड़, इसमें रिस्पोस सर्फटाइन नामक क्षार पाया जाता है, यह सर्पदंश उच्च रक्तदाब में उपयोगी है। अफीम फल मॉर्फिन नामक क्षार प्राप्त होता है इससे। कुचला फल और बीज, यकृत पीलिया लकवा अल्सर त्वचा रोग में उपयोगी है। रेशा देने वाले पौधे हैं, ये नाम हो गया इसका, पादप के भाग हो गए, उपयोग जूट फ्लोएम से रस्सी बोरा आदि में उपयोग होता है। कपास बीज के बाहरी भाग का रंग कपड़ा, अलसी तना के तना से, इससे रस्सी बोरा आदि में उपयोग होता है। भांग फ्लोएम से रस्सी बोरा, नारियल फल के मध्य भित्ति गद्दा पायदान, मुंज एवं सन फ्लोएम से रस्सी से। फिर ये आपके मसाले देने वाले पौधे हैं, नाम हो गया पादप के भाग, उपयोग हींग जड़ों से औषधि एवं पाचक, दालचीनी छाल से मसाला, लौंग पुष्पकलिका से मसाले के रूप में, केसर पुष्पवर्तिका रंजक एवं सुगंध से, मेथी पत्ती और बीज मधुमेह मसाला, इलायची फल पेट दर्द पान मसाला में इसका उपयोग होता है। फिर आपके पेय देने वाले, कॉफी बीज, कोको बीज, गुराना बीज, कोला बीज, चाय पत्ती कहवा बीज, फरागवे चाय ये पत्ती से प्राप्त होती है। पेय फसलों फसलें और प्रमुख किस्में, चाय काली चाय ये आपकी भारत श्रीलंका पाकिस्तान और हिंद एशिया में देखने को मिलेगी, हरी चाय जापान उलोंग ताइवान यारबा माटे पराग्वे। ये आपका कहवा, अरेबिका रोबस्टा और लाइबेरिका, माउंटेन कॉफी जमेका, मोचा कहवा यमन, ये सभी कहवा से प्राप्त होते हैं। फलों सब्जियों में रंग कड़वापन का कारण, ये गुड़ हो गए एक कारण, आंवले में कसेलापन टेनिन के कारण, बादाम में कड़वाहट एमाइलेडिन के कारण, पपीता में पीला रंग कैरेक्स जिथेन के कारण, मिर्च में चरपराहट कैप्सिसिन के कारण, खीरे में कड़वाहट कुकरबिटेसिन के कारण, करेले में कड़वाहट मेमोर्डी कोसाइट के कारण, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन, हल्दी में पीला रंग कुरकुमिन, और गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन, और बेल में कड़वाहट मार्मोलोसिन, पीपर में कड़वाहट ओली ओलीमोरिसिन, मूली में तीखापन आइसोसाइनेट, शलजम में चरबराहट कैल्शियम ऑक्सलेट, पीपर में गंध ये ओलियो रेसिन के कारण, आलू का हरा रंग सोले निन के कारण, प्याज में पीला रंग क्वेरेसिटिन, मिर्च में लाल रंग कैप्सेंथिन, गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन, तिलहनों के तेल का पीला रंग कैराटीनाइट। फिर आपका धूमपान तथा मादक पदार्थ देने वाले पौधे, तंबाकू पत्ती से, भांग गांजा चरम पत्ती से, सुपारी भूणकों से, अफीम लेटेक्स से। फिर आपके पौधों से प्राप्त होने वाली औषधियों, जैसे कवक से आपका पेनिसिलिन और बेलाडोना से एट्रोपिन दर्द निवारक है, कॉफी से कैफीन उत्तेजक, इपिकॉप इमेटिन, डहेलिया मधुमेह, सर्पगंधा एंटीपायरेटिक, तंबाकू निकोटिन, सिनकोना कोनेन नामक दवा, एफेडा एफिडिन, रोबोल्पिया रेजर पाइन इससे निकलता है। ठीक है, अब कुछ पौधे पौधों से वनस्पति वनस्पतिक नाम हो गए, जैसे सोयाबीन ग्लाइसिन सोजा, मूंगफली एरिकिस हाइपोजिया, सेम डॉलिकस लवलव, गाजर
डॉकस केरोटा, मूली रेफनस स्टाइवा, सलजम ब्रैसिका रापा, चुकंदर बीटा वल्गेरिस, शकरकंद आइपो मिया वटाटस, चावल ओरा इजा सटाइव, गेहूँ टिट्टिकम ऑस्टिवम, मक्का जीमेज चना, साइसर एरिटम, मटर पाइजम सटिवम, अरहर कैजिनस कजन, साल सूर्या रोबस्टा, सीसम ये आपका डल वर्जिया सीसू, नारियल कोकस न्यूसी फेरा, सूर्यमुखी हेली एंथस एनस, सरसों ब्रासिका कंपो कंपेस्ट, तिल सेसेम इंडिकम, अंडी रिसिनम कम्युनिस, अदरक जिजीवर ऑफिसनेल, आलू सोलेनम टुबरोसम, प्याज एलियम सेपा, लहसुन एलियम सटिवम, टमाटर लाइकोपर्सिकम एस किलेंटम, बैगन सोलनम मेलोंगेना, भिंडी हेबिस्कस एस कुलेसस, कद्दू कुकरविटा पीपो, आम मैंगीफेरा इंडिका, केला मूसा पराडी सेका, आंवला एम्बेलिका ऑफिसिनलिस, कटहल आर्टोकार्पस इंटरग्रेफोलिया, अलसी लाइनम यूसी टी टेरिसेमम, भांग एक कैनेबिस सटाइवा। तो ये होता है आपका ख़त्म, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं। तो आप महत्वपूर्ण कह लीजिए जो भी कहना, वनस्पति विज्ञान था ये। आगे हम लोग बात करेंगे कृषि एवं पशुपालन विज्ञान के बारे में, और इसी में आपके देख लेंगे हम लोग पारिस्थितिकी, पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर हैं, टॉपिक हैं, तो एक ही लेक्चर में कंबाइंड कर देंगे इन दोनों को। ठीक है।